हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माजे ट्यूटोरियल। एंड लास्ट वीडियो पूरी मैट्रिक्स द डेफिनेशन एंड द टाइप्स विसरे स्क्वायर मैट्रिक्स कलर मैट्रिक्स ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स एंड रॉ मैट्रिक्स कलर मैट्रिक्स विषय में जब आप देखना देन डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे से तो देखनी तो वीडियो पढ़ा इक्वलिटी मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू आर इक्वल। फर्स्ट टू मैट्रिसेस A1 B1 C1 D1 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड A2 B2 C2 D2 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आर सेड टू बी इक्वल इफ A1 equals to A2, B1 equals to B2, C1 equals to C2, and D1 equals to D2. Means, jete bele data matrix of equal order, means jodi gote 2 cross 2 aithibo, aa gote mathe 2 cross 2 rahithibo, then same order matrix jodi jete bele equal hochanti, then seman ba corresponding elements, mane ei position re jo element achi, yar mathe sei position re same elements mathe equal hebe, jodi data matrix equal hochanti. To eithi A1 equals to A2 hobo, B1 equals to B2 hobo, C1 equals to C2 hobo, and D1 equals to D2 hobo. तो ये सिंपल मन रखी जो दुटा मैट्रिक्स इक्वल होती देन से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हे सेम पोजिशन में थोड़ा एलिमेंट्स मैंने इक्वल हे तो ये किसी नहीं सिंपल मन रखी थोड़ा। नेक्स्ट हूँ अल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड फर्स्ट हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस गोटे कंडीशन रही दुटा मैट्रिसेस जितेबाद दुटा बात जहाँ भी हो जदि मैट्रिसेस मैंने सामान अर्डर रही सेम अर्डर रही गोटे जब 2x2 अच्छी देन आउ गोटे मतलब 2x2 होता दरकार जब सेम अर्डर रही थे देन से एडिशनल सब्ट्रैक्शन कन्फर्मेबल हो पारे अदरवाइज हो पारे ना। गोटे जब 2x2 अच्छी आउ गोटे 3x3 थे आम एड करें कि सब्ट्रैक्ट करें तेज जिते दुटा मैट्रिक्स इक्वल अर्डर रही थे देन आम एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ तार कंडीशन। And let A equals to A1 B1 C1 D1 of order 2 cross 2 and B equals to A2 B2 C2 D2 of order 2 cross 2 then A plus B equals to A1 plus A2 B1 plus B2 C1 plus C2 and D1 plus D2 and this is of order 2 cross 2. तो समान कर corresponding elements add हो जो दूसरा matrix जो दी equal order रही चंदी and समान कर जो दी addition हो ची then समान कर corresponding elements समान कर addition हो ये position रे जो element हो ची यार मतलब सही position रे थोड़ा elements है तो add हो। तो ये देखाई दीजिए ए प्लस बी इक्वल टू A1 प्लस A2 ये सेम पोजिशन में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मान एडिशन है ना B1 प्लस B2 ये मतलब से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मान एडिशन ना C1 प्लस C2 एंड D1 प्लस D2 और सेम सब्ट्रैक्शन हम A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 एंड D1 माइनस D2 एंड दिस इज अ ऑर्डर 2x2। सो एडिशन हेले मतलब सेम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन हुए आदि सब्ट्रैक्शन करवा तेज करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मान सब्ट्रैक्शन हम A1 माइनस A2 हम B1 माइनस B2 हम C1 माइनस C2 हम एंड D1 माइनस D2 हम आदि एडिशन करवा देन A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2 तो ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स नहीं देखा दी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे 3x3 4x4 तो सब मैट्रिक्स से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मान एडिशन ही हम तो सिंपल या मोट रखी था यार एप्लीकेशन एक्सरसाइज बेसी अच्छी। नेक्स्ट हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। It is evident that Aij of order m cross n plus 0 of order m cross n equals to Aij m cross n and Aij of order m cross n minus 0 of order m cross n equals to Aij of order m cross n. तो ये देख गोटे मैट्रिक्स हूँ Aij of order m cross n यार अर्डर हूँ m cross n एंड हूँ नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जार अर्डर हूँ m cross n। तो जेकोसी मैट्रिक्स को जो जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स सहित जो एड करवा तो सेम अर्डर रही थोड़ा दरकार जदि सेमर एडिशन हम देन से ही सेम मैट्रिक्स ही हम जीरो मैट्रिक्स सहित जब एड करवा देन से ही सेम मैट्रिक्स ही आसो आउ जीरो मैट्रिक्स जदि से ही मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स माइनस करवा देन से ही सेम मैट्रिक्स ही आसो से जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स को ये एडिटिव आइडेंटिटी कह जाए जोगात्मक अभेद ओडिया पढ़ी जोगात्मक अभेद हूँ शून्य जेकोसी संख्या को जीरो सहित जोग कले वियोग कले से ही संख्या ही हुए से जीरो को जोगात्मक अभेद कह जाए। तो मैट्रिक्स रे जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स जेकोसी मैट्रिक्स सहित एडिशन कले सब्ट्रैक्शन कले से ही सेम मैट्रिक्स ही आसो से जीरो मैट्रिक्स को एक एडिटिव आइडेंटिटी जोगात्मक अभेद कह जाए ओडिया जब कह दे जोगात्मक अभेद एंड इंग्लीश जब कह दे एडिटिव आइडेंटिटी तो यह सिंपल मोर रखी तो ये लिखिदेज देयरफॉर जीरो ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज द एडिटिव आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑन एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। जदि जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर रही थी जो मैट्रिक्स सहित आम एडिशन करवा सब्ट्रैक्शन करवा तेज से ही मैट्रिक्स ही आसो आउ से जीरो मैट्रिक्स को एक एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाए एंड एडिटिव इनवर्स हो द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज द मैट्रिक्स माइनस ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड इज डिनोटेड बाय माइनस ए।
तेज एडिटिव आईडेटी मैंने हूँ जोगात्मक अभेद एंड एडिटिव इनवर्स मैंने हूँ जोगात्मक विलोमी मीनस गोटे मैट्रिक्स सहित आउ गोटे मैट्रिक्स जब एड करवा देन रिजल्ट जीरो आसार अच्छे तेज ए सहित जब माइनस ए जब जोग करवा देन रिजल्ट जीरो आसपाई यार एडिटिव इनवर्स हूँ ए मैट्रिक्स मीनस या को जब यार सहित एड करवा देन टोटाल रिजल्ट जीरो ही आसो से मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स ये हम एंड यही मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स ये हम तो यहाँ सिंपल मोर था। नेक्स्ट हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल सबट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ माने होचे क्रम विनिमय नियम इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स सहित एड करवा जहाँ बी मैट्रिक्स को एड करवा सिंपल मोर रखी कम्यूटेटिव लॉ माने होचे क्रम विनिमय नियम तेमानकर स्थान विनिमय कले एडिशन रिजल्ट समान ही रहिबो मीन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हम तो यह सिंपल मन रखी था एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस बी तो यह एसोसिएटिव लॉ माने होचे सहयोगी नियम ए प्लस बी कलापर जब आम सी को एड करवा जहाँ बी प्लस सी एडिशन सहित ए को एड करवा ता एंड ए प्लस सी एडिशन सहित बी को एड करवा ता सिंपली मन रखी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किंतु ये सबट्रैक्शन पे एटा ए लॉ सैटिस्फाई करिवो नाही काहे ना ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होबो नाही सेति पे ओनली एडिशन पे सैटिस्फाई करिवो एंड एसोसिएटिव लॉ मध्ये एडिशन पे ही सैटिस्फाई करिवो अदरवाइज नाही। नेक्स्ट होची मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी अपॉन टू प्लस टू एंड स्केलर के देन के ए इक्वल्स टू के ए के बी के सी के डी एंड दिस इज अपॉन टू प्लस टू तो स्केलर मैट्रिक्स विषय लास्ट वीडियो में पढ़ी थे स्केलर जेकोसी गोटे रियल नंबर जेकोसी गोटे अल्फाबेटिकल कांस्टेंट जेकोसी गोटे नंबर हेले आम स्केलर मैट्रिक्स भाव नहीं पार्बा तेज जेकोसी गोटे स्केलर जब गोटे मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाय हम देन तार ऑल एलिमेंट सहित डायरेक्ट मल्टीप्लाय हम तार जब एलिमेंट्स ए बी सी डी अच्छा देन जब के सहित जब तार मल्टीप्लाय करवा मीन स्केलर सहित जब मल्टीप्लाय करवा देन तार ऑल एलिमेंट्स के सहित मल्टीप्लाय हे ये ए बी सी डी सहित मल्टीप्लाय हो के ए इक्वल्स टू के ए के बी के सी के डी एंड दिस इज अपॉन टू प्लस टू तो यह सिंपल मुझे रखी था एंड किसी इंपोर्टेंट नोट्स रहा फॉर एनी टू स्केलर्स के वन के टू एंड टू मैट्रिसेस ए एंड बी देन के वन इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू के वन ए प्लस के वन बी एंड के वन प्लस के टू इंटू ए इज इक्वल टू ए के वन प्लस ए के टू तो ये दुटा मैट्रिक्स एडिशन को जब गोटे स्केलर सहित मल्टीप्लाय करवा जहाँ से मैट्रिसेस मानक स्केलर सहित मल्टीप्लाय कलापर एड करवा एंड दुटा स्केलर एडिशन सहित गोटे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाय करवा जहाँ से मैट्रिक्स सहित से स्केलर मानक डायरेक्ट मल्टीप्लाय करवा दैट इज ए के वन प्लस ए के टू दिखाई बुझला किसी नहीं तो यह सिंपल मन रखी देखिए एक्सरसाइज एप्लीकेशन रही है। नेक्स्ट हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मीनस गोटे मैट्रिक्स को आउ गोटे मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाय कले कौन हम लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे अपॉर्डर एम प्लस एन एंड बी इक्वल्स टू बी जे के अपॉर्डर एन प्लस बी बी टू मैट्रिसेस देन ए बी इक्वल्स टू सी आई के अपॉर्डर एम प्लस बी व्हेयर सी आई के इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के व्हेयर जे इक्वल्स टू वन टू एन तो ये ध्यान दि जब गोटे मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे अपॉर्डर एम प्लस एन हुए एंड गोटे मैट्रिक्स बी जब बी जे के अपॉर्डर एन प्लस बी हुए देन से मल्टीप्लिकेशन हम ए बी इक्वल्स टू सी आई के से ये जनरल फॉर्म ये लिखाई किंतु ये ध्यान दि से ऑर्डर को है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स जब एन प्लस बी मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाय होन एन कमन थ दरकार मीनस यार कलम यार रो हो दरकार तो ये यहाँ हूँ रो क्रॉस कलम तो यहाँ हूँ कलम एंड यहाँ हूँ रो तो जदि गोटे मैट्रिक्स कलम आ गोटे मैट्रिक्स रो सहित जब इक्वल होन से मैट्रिक्स दुटा को आम मल्टीप्लाय करवा आई दुटा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाय कले जो मैट्रिक्स आसो से मैट्रिक्स ऑर्डर हम एम क्रॉस पी यार फर्स्ट यार लास्ट मीन यार रो यार कलम आसो तो ये ध्यान दि गोटे मैट्रिक्स जब कलम आ गोटे मैट्रिक्स रो सहित जब इक्वल होन से मैट्रिक्स दुटा को आम मल्टीप्लाय करवा अदरवाइज करिपरिबा नाही ताको एठी वर्ड्स लिख दे छी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द एनडोनर मैट्रिक्स पी देन द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी जदी गोटे मैट्रिक्स रो
सॉरी गोटे मैट्रिक्स जो कलम आ गोटे मैट्रिक्स जब रो सहित इक्वाल होन आम मल्टीप्लाई कर पार्बा अदरवाइज ना या सिंपल मन रखी था एंड यार आप्लिकेसन एक्सरसाइज बेसी अच्छी आउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेसन मैट्रिक्स चैप्टर सबुठ इंपोर्टेंट पार्ट से ध्यान से बुझ गोटे मैट्रिक्स कलम आ गोटे मैट्रिक्स रो सहित जब इक्वाल देन से दुटा मैट्रिक्स को आम मल्टीप्लाई कर पार्बा आउ ये उल्टा बुझे गोटे मैट्रिक्स रोज आ गोटे मैट्रिक्स कलम सहित इक्वाल हम बुझे है गोटे मैट्रिक्स रोज आ गोटे मैट्रिक्स कलम जब इक्वाल हम देन मल्टीप्लाई कर पार्बा ना कि गोटे मैट्रिक्स कलम आ गोटे मैट्रिक्स रोज सहित जब इक्वाल हो देन से मैट्रिक्स दुटा को आम मल्टीप्लाई कर पार्बा तार उल्टा है पार ना तो ये देख आ मन रखी थ ए बी इक्वल्स टू बी ए हुए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी इक्वल्स टू बी ए हुए एंड एटी तार गोटे एग्जाम्पल नहीं देखे या फर्मुला भाविक ये मन रख मैंने टेक्निकली प्राक्टिस कर इफ ए इक्वल्स टू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू अपडर टू क्रस थ्री एंड बी इक्वल्स टू पी वन पी टू क्यू वन क्यू टू आर वन आर टू अपडर थ्री क्रस टू देन ए बी इक्वल्स टू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इंटू पी वन पी टू क्यू वन क्यू टू आर वन आर टू तब ये देख ए मैट्रिक्स अर्डर हो टू क्रस थ्री एंड बी मैट्रिक्स अर्डर हो थ्री क्रस टू तेज ए मैट्रिक्स कलम कलम मान या कह जाए कलम कत कलम अच्छे तीन टा कलम वन टू थ्री तीन टा कलम अच्छी आउ यार तीन टा रो अच्छी तीन टा रो अच्छी जेहेतु यार तीन टा कलम सहित यार तीन टा रो मान यार कलम संख्या यार रो सहित इक्वाल होती दुटा मैट्रिक्स को आम मल्टीप्लाई कर पार्बा तो ये देख यार मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देख ए वन बी वन सी वन फास्ट फास्ट कलम सहित मल्टीप्लाई हम ए वन पी वन ए वन पी वन प्लस बी वन क्यू वन बी वन क्यू वन प्लस सी वन आर वन सी वन आर वन एंड नेक्स्ट हम फास्ट सेकेंड कलम तो ये हम ए वन पी टू प्लस बी वन क्यू टू प्लस सी वन आर टू नाउ द फास्ट सरला नेक्स्ट हम सेकेंड ओके सेकेंड फास्ट कलम दैट इज ए टू पी वन ए टू पी वन प्लस बी टू क्यू वन प्लस सी टू आर वन सी टू आर वन हम नाउ सेकेंड फास्ट कलम सरला नाउ सेकेंड कलम सेकेंड हम तो ए टू पी टू बी टू क्यू टू प्लस बी टू क्यू टू प्लस सी टू आर टू सी टू आर टू ए मैट्रिक्स हम एंड यार अर्डर हम टू क्रस टू तो ये हूँ तार ट्रिक्स यही ट्रिक को तुम आज प्राक्ट कर यार आप्लिकेसन एक्सरसाइज बेस रही आ बे पिला मल्टीप्लाई ट्रिक ही बेस भूल हुए से बेस इम्पोर्टेंट देखिए प्राक्ट कर ओके फास्ट फास्ट कलम फास्ट सेकेंड कलम नेक्स्ट हम सेकेंड फास्ट कलम एंड सेकेंड सेकेंड कलम तो ये ट्रिक तुम प्राक्ट कर आउ ये क्वेश्चन एक्सरसाइज बेस अच्छे तो आज यही फर्मुला प्राक्ट कर ये ट्रिक को प्राक्ट कर केवल इतक प्राक्ट कर एंड एक्सरसाइज जिते क्वेश्चन अच्छे करने को ट्राए कर जब कर पार ना देन कमेंट लिख नेक्स्ट भिडियो मुझे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नहीं आसवि ओके नेक्स्ट हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव मीन्स से क्रम विनिमय हो पारे मुझे फास्ट कहते ए बी इक्वल्स टू बी ए हम ना तो ये देख इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए तो कौन पे ये हेनी देख गोटे मैट्रिक्स ए रि कलम संख्या बी मैट्रिक्स रो संख्या सहित जब इक्वाल होन आम मल्टीप्लाई कर पार्बा किंतु जदि यार कलम संख्या यार रो संख्या जदि इक्वाल हो नेन से मैट्रिक्स दुटा को आम मल्टीप्लाई कर पार्बा ना मीनस ए मान जो फास्ट मैट्रिक्स रार कलम सेकेंड मैट्रिक्स रो सहित इक्वाल हो दरकार एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी सी वी हैव ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी एंड ए सी लिखिदे भूल रे कि लिखे ना जदि दीटा तीन टा मैट्रिक्स ए बी सी अच्छा देन बी सी को मल्टीप्लाई कलापर ए को मल्टीप्लाई करवा जहाँ ए बी को मल्टीप्लाई कलापर सी को मल्टीप्लाई करवा बुझला पर किसी ना सिंपल या मन रख एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मीन्स दुटा मैट्रिक्स जब एडिशन नहीं देन से अनुसार मैट्रिक्स दुटा को आम डिस्ट्रीब्यूटिव बंटन नियम ये एप्लाई हो पार फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी
E into B plus C is equal to AB plus AC. Means it is distributive law apply is. A को B plus C से तो multiply करेगा चाहा A into B, A into C को add करेगा ताहा. Okay. यह equation टा मोटा लिखो and A equation मोते मोटा लिखो. A into B minus C equals to AB minus AC. यह को मोते मोटा लिखो and A minus B into C D जो दी करेगा then A into C plus D minus B into C plus D and AC plus AD होगो and minus BC into minus BD. तो यह को मोते किसी बुझला पर नहीं तो यह को easily मोटा लिखा रहेगा किंतु जेहेतु प्रॉपर्टीज जेहेतु दरकार से मुझे लिखी देती कि तुम्हें भी यहाँ नीचे पढ़ी पार ओके तो यह सब मन रखी थाओ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्कलर मैट्रिक्स बिहेव्स लाइक ए स्कलर मल्टीप्लायर तो जितेबाला गोटे स्कलर मैट्रिक्स को गोटे मैट्रिक्स सहित आम मल्टीप्लाई करवा देन से गोटे स्कलर पर बिहेव कर तो आम मल्टीप्लिकेशन अफ ए मैट्रिक्स बाय स्कलर भी आम पढ़ी मल्टीप्लिकेशन अफ मैट्रिक्स बाय स्कलर पढ़ी तो जदि गोटे स्कलर मैट्रिक्स को गोटे स्कलर मैट्रिक्स के इक्वल्स टू के जीरो जीरो के को मल्टीप्लाई करवा गोटे मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए बी सी डी सहित जो मल्टीप्लाई करवा देन से स्कलर मैट्रिक्स गोटे गोटे सिंपल गोटे स्कलर पर बिहेव कर मीनस जमी के ए इक्वल्स टू के बी के सी के डी करते लास्ट उपर टॉपिक देख मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्कलर से सेम करते तो ये गोटे स्कलर मैट्रिक्स को गोटे नॉन स्कलर मैट्रिक्स सहित जब मल्टीप्लाई करवा देन ये स्कलर मैट्रिक्स गोटे स्कलर पोली ही बिहेव कर तो ये कमन ना हम के इंटु ए बी सी डी एंड या लगे पार्बा ए के मीनस के ए इज इक्वल टू ए के पार कि जमी स्कलर पर भी बिहेव करुच्छे कौन पाए ना ये के ए इज इक्वल टू ए के पार के ए इक्वल टू ए के पार कि आम जानसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फर्स्ट प्रॉपर्टी देख यटा हो नथिला किंतु के ए इक्वल टू ए के होची किंतु ए के तो ये ए होची गोटे मैट्रिक्स के मध्य गोटे मैट्रिक्स कहीं गोटे स्कलर मैट्रिक्स से स्कलर मैट्रिक्स गोटे स्कलर पर बिहेव कर ये से लिखाई स्कलर मैट्रिक्स बिहेव लाइक ए स्कलर मल्टीप्लायर गोटे सिंपल स्कलर पर ये बिहेव कर कौन पर के ए इक्वल टू ए के होची बुझा ट्राए कर ओके नेक्स्ट किसी इंपोर्टेंट नोट्स रहा जहाँकि एक्सरसाइज में सब इंपोर्टेंट एंड फर्स्ट नोट हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एटा मुझे लास्ट पीरियड मतलब कही तेणु या सेकेंड टाइम मुझे बुझेबी या सिंपल बुझेनि ओके जदि ए गोटे मैट्रिक्स हुए एंड तार ट्रांसपोज जदि ए ट्रांसपोज हम आई थे से मैट्रिक्स आउ थे जब ट्रांसपोज ना देन सेम मैट्रिक्स ही आसो या विषय में मुझे लास्ट पीरियड कही एंड ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मीनस ए प्लस बी दुटा मैट्रिक्स जब एडिशन कलापर ट्रांसपोज बाहर करवा चाह से मैट्रिक्स को आगरो ही ट्रांसपोज बाहर करिकी सेमानकर एडिशन करिवा ताहा ओके नाउ फॉर एनी स्कलर के एंड एनी मैट्रिक्स ए के ए रो होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज तो ये देख स्कलर को भितर मल्टीप्लाई करिकी तार होल ट्रांसपोज करिवा जहा स्कलर को बाहर करिकी से मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज बाहर करिकी पूरे एक स्कलर सहित मल्टीप्लाई करवा ताहा तो ये मतलब सिंपल या मन रखी था यहाँ सब इम्पोर्टेंट ओके ना फॉर एनी मैट्रिसेस ए बी सी डी देन ए बी सी डी हॉल ट्रांसपोज इक्वल टू डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज तो यहाँ हूँ सब इम्पोर्टेंट या बेस इम्पोर्टेंट या मन रखी था ओके जदि ए बी सी डी अधिक मैट्रिक्स थपारती ए बी हॉल ट्रांसपोज थपे ए बी हॉल ट्रांसपोज जदि नवा देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हम तार अल्टा आड़ को जी तार रिवर्स हम है ए बी सी डी अच्छे आदि तार हॉल ट्रांसपोज बाहर करुचे देन तार इक्वल हम तार डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम मीनस तार अल्टा हम है डी ट्रांसपोज फास्ट हम तापर सी ट्रांसपोज तापर बी ट्रांसपोज तापर ए ट्रांसपोज ओके तो या मन रखी था एंड दिस इज भेरी भेरी इंपोर्टेंट आउ ये देख या अल्टा पल्टा कर ए बी सी डी अच्छे मानते डी सी बी ए ही हवा दरकार आउ या ए सी बी डी बी डी सी टी से अल्टा पल्टा लिखे जमी गोटे अर्डर अच्छे सेम अर्डर ही लिखो ए बी सी डी जदि अच्छा देन ताक तार अल्टा आड़े लिखे डी सी बी ए ही हवा दरकार ओके देन से जदि अर्डर में नहीं तार ट्रांसपोज मान मल्टीप्लाई करवा देन तार हॉल ट्रांसपोज नवा सहित यार इक्वाल हम तो या मन रखी तो ये बेस स्पीडली कहे कहीं कोर्स जल्दी सरबार अच्छे आज जदि किसी बुझेर असुविधा होचे देन कमेंट लिखो मु एक्स्ट्रा बुझे पाई ट्राई करबी ओके नेक्स्ट होचे करोलारी याको बेसी इम्पोर्टेंट दबोनी सिंपल एक मन रखिथो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर डिफाइन देन द स्क्वायर मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर जदि ए बी गोटे दुटा मैट्रिसेस एंड ए प्लस बी एंड ए बी बोथ आर डिफाइंड
डिफाइंड माने ए प्लस बी होती आउ ए बी होती तो यार कंडीशन रही है ए प्लस बी हम जितेबाला दुटा मैट्रिक्स इक्वाल अर्डर में होते हैं ओके दुटा मैट्रिक्स जब इक्वाल अर्डर होते देन से एडिशन हो पार एंड ए बी हूँ मानते कौन ए मैट्रिक्स कलम बी मैट्रिक्स रो सहित जो इक्वाल होन ए बी प्रोडक्ट हो पार अदरवाइज ना जदि ए मैट्रिक्स कलम संख्या बी मैट्रिक्स रो संख्या सहित इक्वाल होती देन आम ए बी प्रोडक्ट कर अदरवाइज ना कंडीशन में लिखाही देखी थो तो जदि ए प्लस बी एंड ए बी जदि एका सांगे दुटा हो पारे देन से गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स होते स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने दुटा मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कलम्स इक्वल इक्वल होते मैंने ए हूँ गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी मत गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लास्ट मिनट कही जो मैट्रिक्स कलम एंड रोज संख्या इक्वल से मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोली कहा जाए एंड ए प्लस बी एंड ए बी जेहतु सैटिस्फाई करते ए एंड बी होती गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स एंड से अर्डर मैं सेम हो जदि ए गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर टू क्रॉस टू हो देन बी टू क्रॉस टू रही हो तो यह सिंपल मन रख एंड इफ ए इज एन मैट्रिक्स अफ अर्डर एम क्रॉस एन एंड इफ बोथ ए बी एंड बी आर डिफाइंड देन बी इज एन एन प्लस एम मैट्रिक्स तो आम जानू ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए प्रॉपर्टीज रे देखिथबो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होतला किंतु जदि ए अफ अर्डर एम क्रॉस एन होची एंड ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड होची माने बोथ आर करेक्ट होची तबे ए बी हे पारछि एंड बी ए दुटा प्रोडक्ट हे पारछि देन बी रो अर्डर एन क्रॉस एम ही होइथबो ए मैट्रिक्स रो अर्डर जदि एम क्रॉस एन हेछि देन बी मैट्रिक्स रो अर्डर एन क्रॉस एम ही हेथिबो अदरवाइज ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड हे ना ए बी प्रोडक्ट एंड बी ए प्रोडक्ट आम एक सांगे करा ना जदि ए अपर्डर एम क्रॉस एन एंड बी अपर्डर एन प्लस एम जो हो देन ए बी प्रोडक्ट एंड बी ए प्रोडक्ट आम कर अदरवाइज ना तो यह मतलब सिंपल मन रखी था आउ कितना इंपोर्टेंट नोट्स देखिए सैक मन रखी था नॉन जीरो मैट्रिक्स मे मल्टीप्लाई टू ए जीरो मैट्रिक्स लेट ए इक्वल्स टू माइनस थ्री टू जीरो जीरो एंड बी इक्वल्स टू टू जीरो थ्री जीरो देन ए बी इक्वल्स टू जीरो 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 तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स मे मल्टीप्लाई टू ए जीरो मैट्रिक्स मीन्स ये कहुई जदि दुटा मैट्रिक्स नॉन जीरो माने माने जीरो मैट्रिक्स नुहत जेकोण से ए जीरो मैट्रिक्स नुह कि बी मध्य जीरो मैट्रिक्स नुह कि मल्टीप्लिकेशन ए बी से मल्टीप्लिकेशन गोटे जीरो मैट्रिक्स हो पार तो आम अलजरा जाने जेकोण से गोटे संख्या जो जीरो होती है देन से मल्टीप्लिकेशन जीरो हम कि मैट्रिक्स सेमती हम नहीं जदि ए जीरो न हो पारे बी मध्य जीरो मैट्रिक्स न हो पारे किंतु से मल्टीप्लिकेशन जीरो हो पारे तो ये से हाँ लिखाई तो ये मत मन रखी था एंड इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन वी कैन से बी इक्वल्स टू सी तो ये देख ए बी इज इक्वल टू ए सी तो ए कॉमन अच्छे ए आउ ए अच्छे तो जेहेतु ए कॉमन अच्छे से आम कही पार बी इज इक्वल टू सी हो ए बी इक्वल्स टू ए सी होना तो से आम कहीपर कौन बी इक्वल टू सी बोले आम कहीपर किंतु आम कहीपर नहीं बी इक्वल टू सी कहीं मैट्रिक्स आम अलजरा कहीपर बी इक्वल टू सी हम बोली कितना मैट्रिक्स कहीपर ना वी कैंट से बोले लिखाई वी कैंट से बी इक्वल टू सी जदि ए बी इक्वल टू ए सी होंड ए कॉमन अच्छी देन आम बी इज इक्वल टू सी बोली कहीपर ना मैट्रिक्स एंड इवन इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो जदि ए न जीरो न हो पारे तथापि आम बी इज इक्वल टू सी बोली कहीपर ना यार एग्जांपल मतलब दे था कि वीडियो लॉन्ग हो सब किसी दरकार ना तो से सिंपल या मन रखी देता या खाली नोट्स बोलिए देदेई एंड यह प्राक्ट कर ये ट्राए करके देख जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक धरिकी ए इंटू बी कर माइनस थ्री टू एंड जीरो जीरो एंड टू जीरो थ्री जीरो को मल्टीप्लाई कर देख ए बी इक्वल टू जीरो जीरो आसुच्छी कि नहीं है निजे ट्राए कर सो ये भिडियो देखिए नेक्स्ट भिडियो पढ़ा तार एक्सरसाइज सल्यूशन जब भिडियो किसी शिखा पाऊ देन भिडियो को लाइक एंड कमेंट करने को भूल ओके थैंक यू।